हेलो दोस्तों, मैं हूं सपन राजू, आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत है। आज आपको बताने जा रहा हूं हम किसी भी फोटो से ब्लैक एंड व्हाइट पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करता हूं, आपको बताता हूं। जैसे देखते हैं हमारे पास ये कलर फोटो, इसे हम ब्लैक एंड व्हाइट पासपोर्ट बनाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेयर पैनल खोलना। अगर लेयर पैनल बंद है तो आप क्या करें, विंडो में चले जाओ, नीचे आपको लेयर्स दिखेगा जिसका शॉर्टकट है F7, इस पर क्लिक करें और यहाँ देखिए ताला लगाओ, इस पर क्लिक करिए ताला खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको विंडो में आना है और नीचे आपको प्रॉपर्टीज दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। जैसे हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करें, देखिए इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक हट गया, ठीक है। हटने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे देख रहे हैं FX लिखा हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे FX लिखा हुआ दिखेगा, बगल में मास्किंग दिखेगा और यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे देखिए, यहाँ पे देखा आपको यहाँ पे जब ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ह्यू एंड सेचुरेशन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ लेफ्ट देख बीच वाला सेचुरेशन, इसको स्लाइडर खींच के सबसे लेफ्ट साइड में करना है। जैसे करेंगे इस इमेज में से हमारी सारी कलर निकल गई, ये हमारी होगी ग्रे स्केल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा जूम करके देखिए, आप देखिए यहाँ पे सारी इमेज आपको क्या ग्रे स्केल हो चुकी है। होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना, इसको मर्ज विजिबल पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको फाइल में जाएंगे, न्यू लेंगे और ये आपको यहाँ क्या करना है, आपको पिक्सल दिखा है, यहाँ आपको मिलीमीटर करना है और यहाँ आपको करना है 35 और हाइट करना है आपको 45, जो पासपोर्ट्स का आपका साइज होता है। उसके बाद आगे बताऊँगा क्या करना होता है, यहाँ किया हमने। और इसका जो यहाँ कलर मोड है, इसको हम कलर ना रखना ना आज, इसको रखना है ग्रे स्केल, क्योंकि हमारा प्रिंट जो हमारा पासपोर्ट होता है ग्रे स्केल जो बोलते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है ग्रे स्केल। उसके बाद करना है क्रिएट पे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो फोटो था कंट्रोल सी करेंगे, उस वाले का आप कंट्रोल वी करेंगे। अब इसको क्या है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको आप एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसको थोड़ा नीचे लीजिए, आपको पूरा एज टू एज नहीं रखना है, मतलब ऊपर की तरफ है, थोड़ा नीचे रखना है क्योंकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। और देखिए फिंगर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो आपका जो होता है नीचे की तरफ से पूरा फेस क्लियर दिखना चाहिए, पासपोर्ट का यूज इसलिए होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और आपको मल्ट विजिबल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या है, फिर से आपको क्या करना है, ताले को खोलना है क्लिक करके, एक्स पे क्लिक करना है और आपको स्ट्रोक पे क्लिक करना है। और इसका स्ट्रोक आपको रख देना है यहाँ पे 1 और 2, आपको जो ठीक लगे रख सकते हैं। तो आप 2 भी रख दे तो मोटा होगा, 1 रख दे नॉर्मल होगा, तो मैं 1 रखा, ठीक। हमारा फोटो का ही लग गया। अब हमें क्या करना है, इमेज माना है और आपको करना है कैनवस साइज में क्लिक, इस पर क्लिक करना है, आपको यहाँ मिलीमीटर क्लिक करके इसको 40 कर देना है और नीचे वाले हाइट को आपको 50 करके ओके कर देना है। तो आपको देखिए बैकग्राउंड बढ़ गया। अब आप क्या करना है, यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे, इस लेयर को खींच के नीचे कर देंगे और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे वाइट होना चाहिए। तो आप कीबोर्ड से क्या करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे, आपका देखिए यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड पीछे की तरफ लग गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है मल्टी विजिबल पे, दोबारा FX पे क्लिक करना और आपको क्या करना है, स्ट्रोक पे जाके आपको स्ट्रोक यहाँ दे देना है 1 का, ओके। तो आपका देखिए फोटो बन के पासपोर्ट तैयार हो गया। अब क्या करना है, आपको ये जो जो भी हो रखी है स्ट्रोक लगाएं, इसके लिए आप क्या, इस पर क्लिक करें और दोबारा से क्या करें, फ्लैटन इमेज करें, तो सारी मर्ज हो गई, ठीक है। और इस पर क्लिक कर दे, ताले पे खुल गया। अब हमें करना है, इमेज में जाना है, कैनवास साइज पे जाना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, मिलीमीटर करना है। और जो A4 साइज होता है उसकी होती है विड्थ 210 mm और हाइट होती है 297 mm, ओके कर देना। आपको उसके A4 साइज का पेपर आ गया। अब इसको खींच के ऊपर की तरफ ले जाए, थोड़ा चिपका के मत रखे पेज से, जो प्रिंटिंग हमारी थोड़ी हटके होती है, यहाँ रखें, थोड़ा जूम कर लीजिए। उस लेयर को हम नीचे करते हैं, यहाँ पे जाके कंट्रोल J4 जोकर प्रेस कीजिए और शिफ्ट दबा के राइट की तरफ ले जाइए और इसमें चिपका दीजिए। दोबारा से कंट्रोल जे से हमारा डुप्लीकेट होता है, क्लिक करके चिपका दीजिए, कंट्रोल J चिपका दीजिए, आपके 5 बार आपकी फ़ोटो आ जाएगी, तो 5 फोटो कंट्रोल J, यहाँ देखिए हमने किया ये फोटो, 5 फोटो आपकी यहाँ सामने आ गई। हमें इस पर दोबारा लेयर पर जाएंगे और यही जो बताया, यहाँ पर जाके हम क्या करेंगे, मर्ज विजिबल, जितने दिख रहे लेयर मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, दोबारा कंट्रोल J करना है, 5 एक साथ डुप्लीकेट हुई, शिफ्ट दबा के आपको क्या करना है, नीचे की तरफ इसको लाना है। अभी देखिए आपका हिल गया, हमने शिफ्ट नहीं दबाया था, तो हमने क्या शिफ्ट दबा के नीचे की तरफ लाना है। आपके देखिए उसी लाइन में आ गए, दोबारा कंट्रोल J डुप्लीकेट हुई, शिफ्ट दबा के नीचे लाएंगे। शिफ्ट दबाने से आपका क्या था, उसी लाइन में कॉपी होती है, कंट्रोल J डुप्लीकेट, शिफ्ट दबा के नीचे लाएंगे, चिपका देंगे, कंट्रोल J उसे डुप्लीकेट हुआ, नीचे चिपका देंगे। अब और स्पेस बच रही है, नहीं बच रही है, तो आपको क्या करना है, दोबारा इसी लाइन पे क्लिक करके मर्ज विजिबल पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करें, कंट्रोल A करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपको क्या है, ये वाली लाइन दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सेंटर कर देंगे और इससे हम वर्टिकल सेंटर कर देंगे। आपका देखिए यहाँ पे फोटो बन गया, तो आपको क्या करना है, इस पर जाके फ्लैटन इमेज कर देना। आपकी देखिए फोटो बन के तैयार हो गई। तो आपको क्या करना है, इसमें फाइल में जाएंगे, सेव या कॉपी करेंगे, जहाँ भी आपको सेव करना है। मान लो हम कर रहे हैं डाउनलोड के अंदर, यहाँ हमने माल लिख दिया ब्लैक एंड वाइट पासपोर्ट साइज।
फोटो और इस पर सेव एज टाइप पे जाके जे दबाएंगे, आपका जेपीजी सेलेक्ट हो जाएगा और हम इस पर सेव कर देंगे। और देखिए आपका ये फोटो बनके तैयार हो गया, प्रिंटर को जेपीजी फाइल भेजिए, आपको प्रिंट करके दे देगा इजीली। तो ये था हमारा आज का क्लास, हम फोटोशॉप में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।